जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 236 केंद्रों पर 28,277 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 12,743 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 15,534 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, मेडिकल कॉलेज एम्स सहित सीएचसी पीएचसी पर वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने बताया कि पूरे जनपद में अब तक 30,60,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का डोज लगाया जा चुका है, जिसमें फर्स्ट डोज 22,83,000 तथा सेकेंड डोज 7,75,000 लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि करीब 2,00,000 लोगों का अभी सेकेंड डोज का कोविड का टीका नहीं लगा है। उन्होंने जनता से अपील किया कि जिनका भी सेकेंड डोज का समय पूरा हो गया हो, वो अपने नजदीकी बूथों पर जाकर वैक्सीनेशन करा लें ताकि कोरोना जैसी बीमारी से मुक्ति मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कहाँ लगना है अभी आएगी तो कितने केंद्र वैक्सीनेशन किए? आज हमारे जनपद में 237 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज हमारा 76,000 का लक्ष्य है। अभी तक हमने अपने जनपद में 30,60,000 से ज़्यादा डोज लगा चुके हैं, जिसमें से 22,83,000 से ज़्यादा फर्स्ट डोज है और 7,75,000 ज़्यादा सेकंड डोज है। अभी हमारे जनपद में सेकंड डोज के करीब 2,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि इनका समय पूरा हो गया है सेकंड डोज के लिए, वो लोग अभी टीकाकरण नहीं लगाए हैं। तो हम चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि जिन लोगों का समय पूरा हो गया सेकंड डोज का, वो हमारे सेंटरों पर आएँ, तुरंत अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि कोरोना से 100% उनको इम्यूनिटी मिल जाए और कोरोना बीमारी से मुक्ति प्राप्त हो सके।